Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नवाज शरीफ रंगे हाथों पकड़े गए, बचने के लिए मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं और जिम्मेदारी फौज और अदलिया पर डालना चाहते हैं ताकि ये तासुर मिले कि उनको निकालने की वजह से मुल्क के हालात खराब हुए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, खुसूसी इंटरव्यू देखें आज रात 8 बजे। पाकिस्तान के अमरीका पर इन्हिसार के दिन खत्म हो गए। वो दिन गए जब पाकिस्तान अस्करी और दीगर जरूरियात के लिए अमरीका पर इन्हिसार करता था। एक जरिया खत्म हो जाए तो दीगर जराए की तरफ बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं। वजीर आजम शाहिद काकान अब्बासी का अरब न्यूज को इंटरव्यू। नैब रेफरेंसेज में हसन और हुसैन नवाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार, दोनों इश्तेहारी करार। नैब कोर्ट का अखबार में इश्तेहार जारी करने का हुक्म। रात गिरफ्तार किए गए कैप्टन सफदर रिटायर्ड जमानत पर रिहा। नवाज शरीफ को आज हाजिरी से इस्तस्ना मिल गया। मरियम नवाज के जमानती मशलके भी जमा, फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। ये भी मसला है, एक आदमी आया तो दूसरा चला गया, इस मसले का हल क्या है? जज मोहम्मद बशीर का शरीफ फैमिली के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। कुलसूम नवाज की तबीयत ठीक ना होने की वजह से नवाज शरीफ लंदन में है, आप एक मौका दें, आइंदा ऐसा हो तो फिर फैसला करें। ख्वाजा हारिस का जवाब। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज कहते हैं वो इश्तेहारी नहीं, एहतसाब अदालत इश्तेहारी नहीं बना सकती। ये भी कहा कि वो गुज़िश्ता 24 साल से जहां रिहाइश पजीर हैं अब भी वहीं रह रहे हैं। एहतसाब अदालत के रिमार्क्स पर मरियम नवाज का ट्वीट, कहती हैं कम से कम आते तो हैं, बाकियों की तरह भाग तो नहीं जाते। मीडिया से गुफ्तगू में भी मरियम नवाज के मुखालफीन पर वार, कहा कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है, हमें पेशी पर गिरफ्तार किया जाता है जबकि भगोड़े जलसे कर रहे हैं। जो खुद पेश होते हैं, वॉलंटरली पेश होते हैं, कानून के सामने सर झुकाते हैं, उनको तो गिरफ्तार किया जाता है। और यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भागे भी हुए हैं और दूसरी अदालतों में जब जाते हैं तो उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता। इस्लामाबाद में मरियम नवाज की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास, आज की पेशी और आइंदा की हिकमत अमली पर मशावरत, कारकुनों की मरियम नवाज के साथ सेल्फियां। रात कैसी गुजरी, आप पर कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया? कैप्टन सफदर रिटायर्ड से सहाफी का सवाल। मैं कोई दहशतगर्द हूं जो तशद्दुद होता? हम इन चीजों के आदि हैं, सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हूं। मरियम नवाज के शोहर का जवाब। पंजाब के वजीर कानून राणा सनाउल्ला कहते हैं लगता है कोर्ट के पास फैसला पहले से मौजूद है, इस सूरत हाल पर पाकिस्तान के आवाम भी अपना फैसला जल्द देंगे जिसके बाद इन फैसलों की हैसियत सानवी हो जाएगी। अपने फैसले देंगी लेकिन पाकिस्तान के आवाम भी सूरत हाल पे एक अपना फैसला देंगे और बहुत जल्द फैसला देंगे और वो फैसला जो है वो 2018 में ही इंशाल्लाह ताला होने वाला है। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के हक में कबाइलियों की रैली, पिशावर से इस्लामाबाद पहुंच गई, मुतालबात तस्लीम ना होने की सूरत में डी चौक पर धरने का इंदिया दे दिया। हवलदार अमीन और दीगर 3 अफराद को बदला लेने के लिए कत्ल किया, लाशें तेजाब में फेंक दी। लियारी में गैंगस्टर के सरगना उजैर बलोच का एतराफी बयान और जीआईटी रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट में पेश। अदालत ने 6 नवंबर को एसएसपी से मुकदमे में पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब कर ली। चाकू मार पता नहीं पुलिस को नजर क्यों नहीं आता, आईजी अब तो बाइख्तियार हैं, किसके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं? वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध भी बेबस हैं। नून लीग के रुकने सिंध असेंबली सोरठ थेबो की तनकीद, करारदाद सिंध असेंबली में जमा।
कोटा के इलाके गवाल मंडी में मुसल्ला अफराद की कार पर अंधाधुंध फायरिंग, 5 अफराद जांबहक, लवाहिकीन का शोधा चौक पर एहतजाज। वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगती कहते हैं आज का वाकया फिरकावारियत नहीं दहशतगर्दी है, दुश्मन हमें तकसीम करना चाहता है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है।